तो फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही जबरदस्त रेसिपी बनाने वाला हूँ मिक्स वेजिटेबल की। तो फ्रिज में जितनी भी वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी वो सारी की सारी मैं ले आया हूँ और उसको अब देखते हैं हम कैसे यूज करेंगे और बहुत ही जबरदस्त मिक्स वेजिटेबल की सब्जी बनने वाली है आपके वेट लॉस के लिए। तो वेट लॉस रेसिपीज में आप ध्यान रखें कि जो हमारा कुकिंग मीडियम होगा हम देसी घी बटर या फिर कोकोनट ऑयल ही यूज करने वाले हैं और सब्जियों को अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल करके बहुत ही जबरदस्त वेट लॉस रेसिपी बनाने वाले हैं। अभी आप देखिए मैंने छोटे छोटे बीन्स काट के रखे हुए हैं, थोड़े बहुत थे मेरे फ्रिज में, थोड़ी बहुत मेरे पास शिमला मिर्च है और फिर मेरे पास तीन चार ही भिंडी थी तो भिंडी को मैंने बीच में कट कर लिया। इसमें मैं मसाला भरूंगा तो भरमा में भिंडी बनेगी और भाई जो मैं रोटियां बनाता हूँ घिया की और गोभी की तो वो कद्दूकस किया हुआ घिया और गोभी भी मेरे पास अलग से पड़ा हुआ था तो वो भी मैं इसमें यूज करने वाला हूँ। साथ में मेरे फ्रिज में बैंगन भी पड़े हुए थे तो बैंगन को मैं पहली बार कद्दूकस करके बनाने वाला हूँ तो कद्दूकस किया हुआ बैंगन देखते हैं कैसा बनेगा। तो बैंगन को कद्दूकस करने के लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको उसको हाफ करना है और बस आप उसको कद्दूकस कर लीजिए, आराम से कद्दूकस हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आपके फ्रिज में और भी सब्जियां पड़ी हुई हैं तो आप और भी सब्जियां इस सब्जी में डाल सकते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी बनने वाली है। तो सबसे पहले घी, घी की जगह आप बटर या फिर कोकोनट ऑयल भी इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। मेरे पास घी है तो फिर मैं घी यूज कर रहा हूं तो मैंने काफी सारा घी डालता हूं तो काफी सारा मैंने इसमें घी डाल दिया है। तो सबसे पहले आप इसमें बीन्स डाल दीजिए तो मैंने सारे बीन्स डाल दिए क्योंकि बीन्स बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैंने इसमें बीन्स डाले हैं और अब मैं इसमें थोड़ी जीरा और अजवाइन डाल रहा हूं तो ये मैंने अजवाइन डाल दी इसमें, जीरा हींग मसाले हम थोड़ी रुक के डालेंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल देता हूं तो ये सारे मैंने प्याज डाल दिए इसमें तो बस अब इनको पकने दीजिए आप, तब तक मैं भिंडी में मसाला भरता हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया था मेरे पास चार ही भिंडी है तो इन चार भिंडियों में मैं मसाला भर देता हूं। तो अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगा भिंडी के ऊपर और साथ में थोड़ा सा किचन किंग, मैं इनको भर देता हूँ भिंडियों को। तो भिंडी के अंदर बस मैंने पूरी भिंडी ली थी और इसके बीच में मैंने ये कट मारा था तो मैंने इसमें दो तरह के मसाले भर दिए भिंडी में। और जो नीचे प्लेट में मसाला भर जाएगा वो तो हम लास्ट में यूज कर लेंगे, उसकी चिंता मत करना आप। तो ये चारों भिंडी मैंने पकने के लिए डाल दिए, ये पकती रहेंगी और अभी मैंने सिम पे ही गैस रखी हुई है। अब मैं इसमें ये कद्दूकस किया हुआ बैंगन डालने वाला हूँ तो देखते हैं भाई आज क्या लाजवाब मिक्स वेज बनने वाली है। मुंह में मेरे पानी आ रहा है पूरा पूरा। आप लोगों ने कभी बैंगन को कद्दूकस किया है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं। और अब साथ में ये बचा हुआ कद्दूकस किया हुआ घिया और कद्दूकस की हुई थोड़ी सी गोभी मैं इसमें डाल रहा हूँ। और ये रेसिपी यार मेरे को तो जबरदस्त लग रही है, अलग ही खुशबू आ रही है, बहुत ही जबरदस्त। इसमें आप मसाले डाल दें, अब इसमें छोले मसाले भी डाल रहा हूं तो जो भी मेरे पास मसाले होते हैं मैं अपने टेस्ट के हिसाब से वो डालता जाता हूं तो ये काफी सारा मैंने छोले मसाला भी इसमें डाल दिया। और जो आपके पास शिमला मिर्च बची हुई है वो डाल दें और इस मोमेंट पे आप जो भी आपके पास सब्जियां बची हुई हैं वो सारी की सारी इसमें डाल सकते हैं और जबरदस्त मिक्स वेज आपको मिल जाएगी। क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है, लाजवाब। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे वेट लॉस कोर्स में आप कितना भी घी कितना भी बटर कितना भी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल भी डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप कितना भी यूज करें। तो अब मेरा मन कर रहा है इसमें मैं और भी घी डाल लूं तो मैं अब इसमें और घी डाल रहा हूं तो दो बड़े चम्मच मैं इसमें और घी डाल रहा हूं, मजा आ जाएगा यार पूरा। ओ वाओ,
तो ये घी से भरी हुई रेसिपी यार मेरे मुंह में सच में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, क्या करूं, बड़ी मुश्किल से रोक रहा हूँ। और मेरे को लग रहा है ये कद्दूकस किए हुए बैंगन का भरता ही बन गया। और याद रहे ये कास्ट आयरन के बर्तनों में आपको कुछ भी खट्टा नहीं डालना, तो अगर आपको नींबू डालना है या फिर खटास ऐड करनी है तो कास्ट आयरन के पैन से आपको चीजें निकालनी पड़ेगी और फिर उसमें आप खट्टा ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली, अगर आपको पता है आपकी रेसिपी में खट्टा डलने वाला है, तो आप मिट्टी के बर्तनों में अपनी रेसिपी बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है। तो अब देखिए सब्जी ने भाई घी अलग छोड़ दिया, तो मतलब हमारी ऑलमोस्ट पक्के तैयार है सब्जियां। और क्या यार, क्या गजब कलर आ रहा है, एकदम रंग बिरंगा। आपको भी देख के लग रहा होगा कि क्या जबरदस्त मिक्स वेज रेसिपी बन रही है, ऐसी आपने कहीं देखी नहीं होगी ना कभी आपने खाई होगी। फ्रेंड्स अब इसमें बारी आ गई है कि आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। ठीक है, अब मेरी ऑलमोस्ट पूरी रेसिपी पक चुकी है, भिंडियां भी पक गई हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा घी और डाल देता हूँ। तो हमारी कोर्स में ये बहुत ज्यादा फायदा है, आप कितना भी घी बटर कितना भी यूज कर सकते हैं। तो एक चम्मच मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, लगभग एक चम्मच और डाल देता हूँ। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं और इसको आप गर्म कर लीजिए। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट आपका पक जाएगा। और थोड़ा सा मैं और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालता हूँ क्योंकि अभी मेरी रेसिपी में ट्विस्ट बाकी है, बहुत ही जबरदस्त अभी ट्विस्ट आने वाला है इस रेसिपी का, और स्वाद बढ़ाने वाला है और ज्यादा न्यूट्रिशियस होगी। तो हमारा फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स है इस वर्ल्ड में, सबसे फास्ट वेट लॉस करने का तरीका हम बताते हैं आपको। और उसमें आपके प्रोटीन बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, जो आपकी स्किन, जैसे भाई आप बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लेते हैं तो आपको स्किन लटकने की प्रॉब्लम आ जाती है, वो हमारे कोर्स में मिनिमम आती है, मतलब बहुत ही कम आपकी स्किन लटकेगी और ग्लो आ जाएगा आपके चेहरे पे। तो उसके लिए हम प्रोटीन बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं। तो इस सब्जी में भी अभी प्रोटीन डलने वाला है, देखते हैं क्या होगा। और अब इस रेसिपी में मैं नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देता हूं। और भाई अब आप में से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको तो ट्विस्ट पता ही है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए वो ट्विस्ट क्या है। तो भाई ये रहा ट्विस्ट, एक पनीर पूरा मैंने रिचा के लिए काटा है, एक पनीर मैं खाऊंगा, साथ में हमारी रोटियां भी बनी हुई हैं, वेट लॉस रोटी, अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो जल्दी जाके देखें। और ये पनीर भाई गया इसके अंदर। ओहो हो हो, अब ये सारा जिंजर गार्लिक पेस्ट पनीर को फ्लेवर देने वाला है जबरदस्त तरीके से। तो इस रेसिपी में भाई पनीर का होना तो बहुत जरूरी है, अगर आप पनीर का टेस्ट नहीं लेना चाहते तो आप इस रेसिपी में पनीर को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने पनीर डाला भी या नहीं। मेरे को और रिचा को तो पनीर बहुत पसंद है, इसलिए हम थोड़ा कट करके डालते हैं। अब आप पूरी रेसिपी मिक्स कर दें, बनके तैयार है मिक्स वेज आपकी जबरदस्त वेट लॉस मिक्स वेज। भाई साहब मुंह में ऐसे पानी आ रहा है यार, क्या बताऊं, इससे टेस्टी रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, मैं खुशबू लेके आपको बता सकता हूं। वैसे भी मेरे को कमेंट आते हैं कि मेरी रेसिपी देखते देखते आप लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। तो फ्रेंड्स अब मेरी मिक्स वेज पक के बिल्कुल तैयार है, अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो हम रिचा को बुलाते हैं और रिचा से पूछते हैं इसका टेस्ट कैसा आएगा। तो आज सुमित ने बहुत ही जबरदस्त मिक्स वेजिटेबल बनाई है, मुझे बताकर गया कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो खाकर देखते हैं कि आज सुमित ने कैसे बनाई है। और इसके साथ मेरे पास वेट लॉस रोटी भी है और मैं अपने मजे से खाना एंजॉय करने वाली हूँ, और बहुत ज्यादा गर्म है तो मैं थोड़ा सा आराम से खाती हूँ और आपको खाकर बताती हूँ कि ये कैसी है। इतनी ज्यादा बढ़िया बनाई है सुमित ने दोनों ही चीजें, सब्जी तो खैर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आपने ऐसी सब्जी कभी भी नहीं बनाई होगी, मैं इस बात की शर्त लगाती हूँ। ये सब्जी जरूर बनाकर खाएं और मुझे लिखकर बताएं कि आपको कैसी लगी। और इसके अंदर ना सुमित ने पनीर डाला है जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, और पनीर खाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप वेजिटेरियन है खास करके, तो आप ये बना बनाकर खाएं और आप कोई भी पुरानी सब्जी और वेजिटेबल बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले हैं।